पेगासस पेगासस पेगासस। दोस्तों क्या है ये पेगासस वर्ड और ये क्यों इस टाइम पर इंडिया में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। जय बजरंगबली दोस्तों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स, योर रैंक इज़ योर एटीट्यूड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेगासस के बारे में। अगर आप पेगासस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन। दोस्तों पेगासस एक ऐसा स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि इसराइल कंट्री ने डेवलप किया है। इसराइल कंट्री में एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप, जिसने स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ताकि वो मोबाइल फोन्स को हैक कर सके। जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, जो आईफोन्स हैं, एंड्रॉयड फोन्स हैं, उनको सभी को ये हैक कर सकता है। अब बात यहाँ पर ये चलती है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर, स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर, जो हैकिंग सॉफ्टवेयर है, वो इसराइल कंपनी क्यों डेवलप कर रही है, क्या उसका कुछ एक अलग मोटिव हो सकता है इसके पीछे? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इसराइल कंपनी ने अच्छे काम के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है ताकि जितनी भी टेरर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, टेरर प्लानिंग्स जो होती हैं, उनको एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके। उनका जो प्लान होता है, जो भी टेररिस्ट होते हैं, उनका प्लान जो होता है, उसको ये एक तरीके से अपने पास हैक कर सके ताकि उसके थ्रू फिर ये आगे अपनी प्लानिंग कर सके। इसलिए इसराइल कंट्री ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अब दोस्तों इंडिया में ये क्यों ज़्यादा फेमस हो रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इंडिया में पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू 300 इंडियंस का मोबाइल फ़ोन हैक होने का दावा किया गया है, जो भी फॉरेन एजेंसीज हैं उन्होंने। अभी 300 इंडियंस जो भी हैं, ये आम इंसान नहीं है, इसमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कुछ 40 इसमें जर्नलिस्ट की बात हो रही है जिनका मोबाइल फ़ोन हैक हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अब मोबाइल फ़ोन अगर उनका हैक हुआ है तो डेफिनेटली एक तरीके से गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठता है कि मतलब किस तरीके से हमारे इंडिया में एक स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स का मोबाइल फ़ोन हैक कर रहा है, जर्नलिस्ट का मोबाइल फ़ोन हैक कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर दावा ये भी किया जा रहा है कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है या कोई एक इंडिविजुअल इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इन कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो मोबाइल फ़ोन है वो हैक कर रहा है एक तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो एनएसओ ग्रुप जो कंपनी है जो इसराइल की, उसने साफ बोल दिया है कि हम पेगासस सॉफ्टवेयर किसी भी इंडिविजुअल को नहीं देते हैं, हम ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है, सॉवरेन गवर्नमेंट जो है, उसी को हम सॉफ्टवेयर देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा एक गवर्नमेंट के ऊपर ही है कि क्या गवर्नमेंट इस काम को कर रही है, ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली कोई इंडिविजुअल अगर इसको यूज़ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के पास अगर इसकी सारी प्राइवेसी है, गवर्नमेंट के पास सारी अथॉरिटीज़ है, तो क्या गवर्नमेंट इस काम को कर रही है अगर अपोजिशन जो भी है उनका डेटा वगैरह हैक करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि कौन इस काम को कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स किया है? गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया है कि देखो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, राइट टू प्राइवेसी जो भी हर एक सिटीज़न की होती है उसको हमने एक तरीके से प्राइवेसी हमने प्रोवाइड की है और हमने किसी का भी मोबाइल फ़ोन, किसी का भी डेटा हमने हैक नहीं किया है। तो इस पर आईटी मिनिस्टर जो है, उन्होंने जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो उन्होंने क्या बोला है कि एक तरीके से ये हमारी जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको डिफेम करने का एक तरीके से प्लान हो सकता है ये। तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि क्या गवर्नमेंट इस काम को कर रही है या कोई एक इंडिविजुअल इस काम को कर रहा है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।